साथियों, देश की जनता को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया के माध्यम से मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। जबकि इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी पूरे जी जान से लगी है और जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के रहे शासनकाल में इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जमीनी हकीकत में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए। साथ ही इनके मद का सरकारी पैसा भी अधिकांश दूसरे मदों पर ही खर्च कर दिया गया है। इसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। इनको आरक्षण व अन्य जरूरी सुविधाओं का भी पूरा लाभ नहीं दिया है, ताकि ये लोग आर्थिक तौर पर हमेशा दूसरों के ऊपर ही निर्भर बने रहे, जिससे दुखी होकर फिर बहुत पहले ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनकी केंद्र की रही सरकार से अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा तक भी दे दिया था और फिर इनके बताए हुए रास्तों पर चलकर माननीय श्री कांशीराम जी ने बीएसपी की स्थापना की, जिसको कमजोर व खत्म करने के लिए शुरू से ही कांग्रेस पार्टी हर घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और अब तो खिसियानी भी खम्बा नीचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। इतना ही नहीं, बल्कि इससे पहले इनके पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने भी बीएसपी को बदनाम व कमजोर करने के लिए माननीय श्री कांशीराम जी को सीआईए का एजेंट तक भी बता दिया था और अब उन्हीं के ही चिन्हों पर चलकर इनका बेटा श्री राहुल गांधी भी बीएसपी में इस पार्टी की मुखिया पर आए दिन बीजेपी के साथ मिलने का ये कहकर गलत आरोप लगाते रहते हैं। बीजेपी की मुखिया बीजेपी की सीबीआई ईडी व इनकम टैक्स आदि से डरती है, इसलिए वह बीजेपी के खिलाफ काफी नरम रुख रखती है, जिसमें रस्सी पर भी सच्चाई नहीं है। जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि इन सबसे जुड़े मामले हमने केंद्र में रही किसी भी पार्टी की सरकार की मदद से नहीं, बल्कि सभी सरकारों के खिलाफ जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जीते। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी का कल सार्वजनिक तौर पर ये कहना कि कांग्रेस द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन करने व उन्हें सीएम बनाने के ऑफर पर मैंने ना कोई जवाब दिया तथा इस बारे में उन्होंने बात तक भी नहीं की है, ऐसा उनका कहना है। ये बात पूर्णतः गलत है, तथ्यहीन है, अर्थात इसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। जबकि यूपी विधानसभा चुनाव के घातक नतीजों पर हर विपक्षी पार्टियों द्वारा समीक्षा होनी चाहिए, किंतु ऐसी तथ्यहीन बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे भी कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों में से खासकर बीएसपी व उसके
उसके व्यक्तित्व के बारे में कोई भी टीका